हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। इसके आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना है डेली इस तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स टू बिगिन इन द वीडियो। में करना क्या है गाइस, पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करने के बाद करना क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ से चल लेना हम लोग को प्लस वाले सेक्शन पे, एडिट फोटो पे, और बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप में। तो मैं कर लेता हूँ फटाक से, जो कि ये रहेगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में पीएनजी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ, आप वहाँ से जाकर इजिली डाउनलोड कर सकते हो मेरे लिंक से। अगर नहीं कर पा रहे तो गाइस करना क्या, मैंने इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस आप वो वीडियो देख ले, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बैकग्राउंड में पीएनजी डाउनलोड करना है मेरी वेबसाइट से, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें गाइस। मैं इसी तरह का बैकग्राउंड पीएनजी में आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड करते रहता हूँ, और आपको कोई भी फोटो एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है तो मैं वहाँ से आपसे बात करते रहता हूँ। ऐसे करने के बाद करना क्या, हम लोग को चल जाना है टूल्स पे, क्रॉप पे, पोर्ट्रेट सेलेक्ट करके यहाँ से डन करके बैक हो जाना। देख सकते हो बैकग्राउंड को एडिट हो जाएगा आपका ना। क्या स्क्रॉल अप करके चल जाना हम लोग को ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस हम लोग को करना क्या है, यहाँ से अपने मॉडल के फोटो को ऐड कर लेना, जो कि ये रहेगा। अगर आपको मॉडल का बैकग्राउंड यूज करना नहीं आता तो मैंने इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस आप वो वीडियो देख रहे, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बैकग्राउंड रिमूव करना वन क्लिक में। इस तरह से हम लोग को जूम करके अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से हम लोग को ऑपेसिटी कम करके इरेजर पे चल जाना है। इरेज पे जाके हार्डनेस को कम करके, सॉरी गाइस, हार्डनेस को कम करके इरेज पे चल जाना है, और हल्का हल्का इरेज कर लेना हम लोग को नीचे पे पहले पार्ट पे इस तरह से। यानी कि हम लोग को अच्छे से फोटो को ब्लेंड कर लेना है अपने बैकग्राउंड के ऊपर, और कुछ इस तरह से फोटो का बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, और यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। अब करना क्या, पहले चल जाना हमको ऐड फोटो पे, और हम लोग को एक पेंज मिल जाएगा जो कि ये रहेगा। अब करना क्या, हम लोग क्रॉप पे चल जाना है। हम लोग को एक एक को पार्ट क्रॉप करके यहाँ से इस तरह से करना क्या है, ब्लेंड में चल जाना है, स्क्रीन कर लेना है, और एक इस पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है, और यहाँ से डन करके बैक हो जाना। फिर से चल जाना ऐड फोटो पे, और एक हम लोग को वही फिर से हम लोग को पीएनजी को ऐड कर लेना है। फिर क्रॉप पे जाके हम लोग को बीच वाले पार्ट को क्रॉप कर लेना है। इसी तरह करते करते हम लोग को सब पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ फटाक से। देख सकते हो इस तरह से फोटो को एडिट करने के बाद करना क्या, फिर से चल जाना ऐड फोटो पे, और एक हम लोग को ताज का पीएनजी मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना जो कि ये रहेगा। इसको करना क्या, हम लोग को कुछ इस वाले पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है अपने। देख सकते हो गाइस इस तरह से ऐड कर लिया, यहाँ से डन करके बैक कर लेना है। अब करना क्या, हम लोग को चल जाना इफेक्ट पे, सैंपल पे, सबसे लास्ट ड्रैग करके यहाँ से चल जाना सैचुरेशन वाले आइकन पे, इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से डन करके बैक हो जाना। अब करना क्या, फोटो को सेव करके ओपन करना है हम लोग को लाइट रूम ऐप में। तो मैं फोटो को सेव कर लेता हूँ डॉट में जाकर, थ्री डॉट में जाकर सेम इमेज। देख सकते हो फोटो सेव हो गया है, ये फोटो को ओपन कर लेता हूँ मैं स्नैप लाइट रूम ऐप में। तो मैं कर लेता हूँ फटाक। देख सकते हो गाइस मैंने फोटो को ओपन कर लिया है लाइट रूम ऐप में। अब करना क्या, पहले तो हम लोग चल जाना सन वाले आइकन पे, कॉन्ट्रास्ट को प्लस कर लेना है हल्का सा, हाईलाइट्स को भी हल्का सा बढ़ा लेना है, शेडो को बढ़ा लेना है, वाइट्स को भी हल्का सा बढ़ा लेना है, ब्लैक को कम कर लेना है हल्का, टेम्परेचर वाले जाकर वाइब्रेंस को बढ़ा लेना है, और टेम्प को हम लोग को ब्लू के साइड में रख लेना हल्का सा जो कि इतना रहेगा। और यहाँ से हम लोग को मिक्स टूल पे जाके ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके फेस का लुमिनस को बढ़ा के सैचुरेशन डाउन कर लेना है, और यहाँ से रेड वाले ऑप्शन में जाके आप ह्यू को चेंज कर लेना है, यहाँ से डन करके बैक चल जाना। फिर हम लोग को नेक्स्ट टूल पे क्लिक करके क्लियरिटी को 10% इंक्रीज कर लेना है, डीएच को, विग्नेट को हल्का कम कर लेना है, नेक्स्ट टूल पे जाके शार्पनिंग बढ़ा के नॉइस रिडक्शन बढ़ा लेना है, क्लर नॉस्टिट्यूशन, यहाँ से बैक हो जाना है। तो मैं देख लेता हूँ बिफोर आफ्टर में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो गाइस पिक्सआर्ट का कितना ब्लैक ब्लैक था फेस, और ये देखो लाइट रूम का। फोटो को सेव करने के लिए करना क्या होगा, शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना है, फोटो सेव हो जाए स्टार्ट हो जाएगा गाइस। देख सकते हो फोटो सेव हो गया। तो कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर रख देना डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस।